वैसे आप सभी आशा करते हो बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम एक कटोरी के करीब मैदा लिए हैं और मैदे से हम आज मैदे वाली नमकीन बनाएंगे, क्योंकि दशहरा भी है कल, तो सोच रहे थोड़ा सा बनाकर इसे रख दें। तो देखिए इसके लिए हम कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कटोरी मैदा है, तो इसे हम थाली में पलट लेते हैं। पहले थोड़ा अलग तरीके का बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैदे की नमकीन तो सभी लोग बनाते हैं, पर मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अजवाइन को ऐसे क्रश करके डाल दे रहे हैं इसमें, और ये अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है, इसे भी डाल देते हैं। सबको मिक्स कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे तरीके जो हम बता रहे थे थोड़ा अलग तरह से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दूध ले लिए हैं, ये एक पाव के करीब दूध है। तो अब यहाँ पे ये देखिए हम विनेगर लिए हैं 2 चम्मच के करीब, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। और अब हम इसे दूध को फाड़ेंगे इससे और चला देंगे इसको। फिर देखिए दोबारा फिर डाल देते हैं और हम इसे चला देते हैं। अब देख सकते हैं फिर पनीर हमारा अच्छे से हो गया। देखिए छेना निकल गया ना ऐसे करने से, देखिए बहुत ही आसानी से हो गया। तो अब हम इसे छान लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा छेना जो है हम छन्नी में छान लिए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे धो लेते हैं, नहीं तो वो खट्टेपन का थोड़ा सा स्वाद आएगा इसका। तो इसे हम थोड़ा सा पानी गिरा के दो बार धो लेते हैं। ले लिए हैं और ये 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और मिला देते हैं इसे। अब देखिए हम नया क्या बता रहे थे आपको फ्रेंड्स, कि हम लोग अक्सर नमकीन और मठरी बनाने के लिए हमें फार्चून या घी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ से आज नहीं करेंगे। तो आज हम देखिए ये जो हमने छेना निकाला है इसी से हम आज इस मैदे को गूँथेंगे, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अलग स्वाद आपके इस नमकीन का होगा। तो ये देखिए ये जो हमने पनीर निकाला है हम आज मैदे को इसी से गूँथेंगे, इसी से इसका मोयन देंगे। तो आज थोड़ा नए ट्रिक से आप इसे बनाकर देखिएगा कैसा बनता है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स। तो आज हम इसमें रिफाइंड का मोयन नहीं देंगे और घी का, आज हम इसे पनीर से जो छेना निकाले हैं इसी से गूँथेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से आटे को बना लेते हैं। देखिए मैदा हमारा एकदम अच्छे से गूँथा गया है, एकदम सॉफ्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसी तरह आप इसे गूँथ लीजिएगा। आइए अब हम इसकी रोटी सी थोड़ी सी बड़ी बड़ी इसकी हम लोई कर लेते हैं। देखिए इस साइज की लोई करेंगे हम, बस ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लोई करेंगे इसकी। देखिए इसे हम रोटी की तरह पतला ही इसे बेलेंगे, हल्का हल्का मैदा लगा के ऐसे, और इसे रोटी के साइज का पतला हम बेल लेंगे। देखिए अच्छे से बेल गया पूरा इसकी, देखिए कैसे कितना पतला हमने इसे रखा है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इतना ही पतला आप इसे रखिएगा, बिल्कुल हलवाइयों की तरह से आपकी नमकीन ये वाली बनेगी। तो आइए इसे हम काट लेते हैं। अब देखिए हमने इसे इसी शेप में काटा है, चौकोर चौकोर हम इसे इस तरह से देखिए काटे हैं, बिल्कुल इस तरह से। देखिए एक बार का हम काट लिए हैं, तो इसी तरह से बाकी को भी बना लेते हैं हम सब। देखिए नमकीन पूरी बना लिए हैं, और यहाँ पे अब कढ़ाई में हम रिफाइंड भी रख दिए, अभी ये अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसे फ्राई करते हैं। चलिए हम अब इसे तेल में डाल देते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। आँच को मीडियम ही रखिएगा। देखिए सब कितने अच्छे से सारे ऊपर आ रहे हैं। देखिए सारी नमकीन ऊपर कितने अच्छे से हो गई है, देखिए बिल्कुल हल्की रहेगी
और पतली रहेगी, तो ऐसे ही आपकी भी देखिए ऊपर सब हो गई हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्राई हो गया अच्छे से, कलर भी देखिए इतना प्यारा आ गया है इसका। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। नमकीन हमारी मैदे की हम सारी बना लिए देख सकते हैं, और ये छेना डालने से देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी एकदम सुंदर कलर भी आया है। तो इसे हम थोड़ा सा साइड में करेंगे और आइए अब इसका थोड़ा सा मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे एक कटोरी ले ले रहे हैं, ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है और ये थोड़ा सा चाट मसाला है और ये आधा चम्मच काला नमक है। तीनों को हम मिक्स कर देंगे ऐसे। चलिए अब हम इसे ऐसे नमकीन पे डाल देंगे, ऐसे चारों तरफ इस पे डाल के, और इसे हम हाथ से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बिल्कुल चटपटा बन जाता है ये नमकीन आपका। तो आप इसे बना के रख सकते हैं स्टोर करके बढ़िया से, या टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए इसे। देखिए नमकीन बना दिए और हम इस पे मसाला भी आपको बता दिए हैं, काला नमक लाल मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा आप आधा चम्मच बनाकर इस पे डाल दीजिएगा। और देखिए नमकीन आपकी तैयार हो गई। तो दशहरा पे इस बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा ये देख सकते हैं आप। ये देखिए आपको ये नहीं लगेगा कि आप इसमें मोयन नहीं दिए हैं, और बिल्कुल अलग तरीके का नमकीन है, तो बहुत टेस्टी भी बनता है ये फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रेसिपी हमारी अगर आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।